श्री राधा जी के झूलना देखो बादल भी आकाश में आए हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे झूलना झूला रहे हैं सखियां, वैसे वैसे धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है प्रेम की भक्ति की। और उस प्रेम और भक्ति के बारिश में राधा कृष्ण झूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। आइए सभी का दर्शन करें हृदय में। Yeah.
में झूलते हैं कन्हैया, सब ग्वाल बाल सखिया सब दर्शन करके कृतार्थ होती हैं। अब ठाकुर जी का दिव्य लीला की कथा का समय हो रहा है। जो भगवान ने गोपियों से कहा था कि संकल्पो विद्ध शारभ्यो भवती नाम मदर्शनम, तुम लोगों ने जो मेरी सेवा किया पूजा किया उससे मैं प्रसन्न हूं, अब तुम लोगों के साथ लीला करूंगा। भगवान ने संकल्प लिया था, बोले थे गोपियों से कि आने वाली रात्रियों में तुम लोगों के साथ लीला करूंगा, तो रात्रि में क्यों दिन में क्यों नहीं किया? क्योंकि महाराज जब भगवान राम दिन में आए थे तो चंद्रमा को बहुत ईर्ष्या थी, एक महीने की दिन हो गई महाराज, अब इतनी लंबी दिवस। चंद्रमा बोले बा प्रभु बाल लीला का दर्शन मुझे नहीं दिए, इतना नाराज हुए। भगवान ने कहा चलो चिंता मत करो, इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में सब लीला तुम्हारे ही सामने करूंगा, इसलिए जन्म भी लिए तो रात्रि में, हाँ और रास लीला भी किए तो रात्रि में। तो कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करूंगा और अपने नाम के साथ भगवान राम भी चंद्र लगाए और कृष्ण भी लगाए चंद्र, राम चंद्र कृष्ण चंद्र, हाँ चंद्रमा भी भक्त था ना। तो भगवान रात्रि में लीला करने के लिए सोचे कि अब गोपियों पर कृपा करने का समय आ रहा है। ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला कब हुई थी? शरद पूर्णिमा के दिन। शरद किसको बोलते हैं? शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा अर्थात क्वार महीने की पूर्णिमा। क्वार महीना तो जानते होंगे आप सभी लोग, नहीं जानते होंगे क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों ने इतनी कृपा किया कि जनवरी फरवरी के अलावा कुछ नहीं जानते। कॉन्वेंट स्कूलों की ऐसी कृपा हुई अंग्रेजों की कि महाराज चैत बैसाख जेठ असाढ़ एक किसी तरह नाम, पहले तो नाम ही नहीं बता पाएंगे पूरा 12 महीनों की, और मान लो अगर नाम पता हो तो ये नहीं बता पाएंगे कौन सा महीना कब होता है। सब समाप्त कर दिए संस्कृति को अंग्रेज आके, इतनी कृपा बरसाए कि भारतीय महीनों का नाम तक लोगों को नहीं पता। अभी बच्चों से पूछ लो कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़ने वाले से, बोलेगा चैत्र क्या होता है, क्या होता है, वो सोचेगा अच्छा अच्छा इत्र बोल रहे हो क्या, वैशाख क्या होता है, वैशाखी, जेठ क्या होता है, जो बड़ा होता है वो जेठ, अषाढ़ क्या होता है, वो आश्चर्य की तरह से देखेगा पहले फिर सोचेगा फिर कहेगा ये क्या बोल रहे हैं आप, डैडी आप क्या बोल रहे हैं, डैडी जो मर गया हो उसका नाम डैडी, डेड डेड बॉडी बोलते हैं, डेड बॉडी मरा हुआ शरीर जिसका, तो डेड से डैडी। और मम्मी जानते हो किसको बोलते हैं? मम्मी आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, पुराने जमाने में लाशों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों से युक्त एक बाक्स जैसा बनाया जाता था,
उसके अंदर लाश रखा जाता था, शव मुर्दा, उसको मम्मी बोलते थे। तो वही मम्मी मर गई है पहले से, मम्मी मर गए, डैडी बचा खुचा, पापा पापा, पापी किसको बोलते हैं इसके अंदर, पापा। अब पापा संस्कृत में किसको बोलते हैं पता है? पापा मतलब पापी लोग संस्कृत के हिसाब से, और अंग्रेजी में पप्पी बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को। शब्द मिलता जुलता है पापा पप्पी पापा, तो कुत्ते का छोटा बच्चा हो तो पप्पी बोलेंगे, और बड़ा कुत्ते का बच्चा उसे पापा बोलते होंगे। तो महाराज क्वार के महीने में रासलीला हुई, क्वार महीने की पूर्णिमा को। उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। उस दिन लोग भक्त लोग खीर रखते हैं अपने छतों पे, आकाश खुले आकाश के नीचे, तो रात्रि भर वो खीर रहता है, चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो माना जाता है अमृत टपका है इसी, तो उस खीर को लोग देते हैं, तो वास्तव में बीमारियों में प्रभाव पड़ता है उसका। कोई सी भी बीमारी हो, ऐसा नहीं कि इस बीमारी में केवल, दुनिया की कोई बीमारी हो सब में वो कारगर है। अरे उस रात्रि को तो जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं, विधान है कि रात्रि में जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। हाँ, नाच नौटंकी में तो रात भर जगेंगे, इसमें कौन जगे? बीमारी दूर हो जाएगी तब, परिवार अच्छे से खुशहाल हो जाएगा तब, समस्या आ जाएगी, जरा सब तड़पे कला क्लेश शांति में मरे, नाच नौटंकी देख के तो अच्छा लगता है ना, शांति कौन चाहता है? शांति मिल जाएगी तो अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बर्तन खनके तब आनंद आता है, शांत से आनंद नहीं आता। हाँ, थोड़ा होना चाहिए ना रंग बिरंगा कार्यक्रम। हाँ, कोई उधर से बोले, कोई इधर से बोले, तब आनंद आता है। तो उस रात्रि में, जिस रात्रि के लिए भगवान ने कहा था, वह रात्रि अब उपस्थित हो गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि, क्वार महीने की पूर्णिमा, ठाकुर जी बंसी वट के नीचे खड़े हो गए हैं और बंसी वादन करने लगे। शरद पूर्णिमा की तिथि, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।